दोस्तों मैं अंकलेश चौहान और आज के इस वीडियो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बेसिक्स, मतलब एकदम शुरुआत से गुजराती को कैसे सीखा जाए। जिस तरह से हम हिंदी में हम सबसे शुरुआती काम में क्या करते हैं, क ख ग सीखते हैं, स्वर और व्यंजन सीखते हैं, उसी तरह से गुजराती के जो स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वह मैं हिंदी से कंपेरिजन करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। एक तरफ हिंदी का लिखा रहेगा और दूसरी तरफ गुजराती में लिख करके बताऊंगा, जिससे क्या रहेगा कि आप इन अक्षरों को पहचान सकें और उसके बाद में कभी भी इन अक्षरों को देखें पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकें। एक खास बात यह है कि जब भी ये जो मात्राएं जो होती है गुजराती की और हिंदी की, दोनों डिट्टो एकदम सेम होती है, इसलिए आपको 12 अक्षरी में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये किस तरह से लिखा जाता है उसके अक्षरों पर ध्यान देने की जरूरत है, और दूसरा उसके जो स्वर होते हैं, स्वर थोड़े अलग तरीके से लिखे जाते हैं, और ये जो व्यंजन जो होते हैं वो भी अलग तरीके से लिखे जाते हैं, इन दोनों पर आपको ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शब्द कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसके, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्वर आपकी स्क्रीन के सामने है और मैं इसके बाद लिखना शुरू करता हूँ। तो अ को गुजराती में इस तरह से लिखा जाता है, और जैसा रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अलग रहता है और ऊपर कभी भी लाइन नहीं रहती है। हिंदी में ऊपर लाइन रहती है और गुजराती में कभी लाइन नहीं रहती है, ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका अक्षर का आप देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है इसको। और उसके बाद आता है आ, ये जो अ जो लिखा हुआ है ना अ, उसी के आगे एक डंडा कर दिए तो हम वो आ हो गया, ठीक है, इस तरह से, ओके। ई को ये भी थोड़ा घुमा फिरा करके लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ई, राइट, जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है थोड़ा इस तरह से ऐसा। और बड़ी ई जो है, दीर्घ ई जिसे कहते हैं, वो इस तरह से लिखा जाता है, ये रहा बड़ी ई, ठीक है, इसके अंदर। और ई में और ई में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ऊपर वाली लाइन थोड़ी जो है वो बड़ी है, ओके। ऊ को लिखने के लिए इस तरह से ऊ लिखा जाता है, ठीक है, ऊ, दीर्घ ऊ, बड़ी ऊ को इस तरह से लिखा जाता है, बड़ी ऊ, ओके, बड़ी ऊ। तो दोस्तों यहां तक आपको ज्यादातर कुछ तकलीफ नहीं हुआ होगा। ऊ जो है यहां पर जो है ऊ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ई जो है थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, अ भी डिफरेंस है, ठीक है। ए को लिखने के लिए यहां पर हम इस तरह से लिखते हैं, अ के ऊपर मात्रा, इस तरह से ए, इसके अंदर हमारा जैसा ए होता है उस तरह से ये नहीं होता है, अ के ऊपर ई की मात्रा आ जाती है, उसे ए लिखते हैं, राइट। आई को लिखने के लिए इस तरह से दो मात्राएं आ जाती हैं, सिंपल है, ज्यादा इसके अंदर कुछ मगजमारी नहीं है। ओ को लिखने के लिए इस तरह से ओ, राइट, और औ को लिखने के लिए औ, ओके। तो ये इतनी बात समझ में आ गई, ज्यादातर आपको क्या याद रखना है, अ और ई दो का ही खाली आपको ध्यान में देने की जरूरत है, बाकी सब तो अपने आप ही आपको आ जाएंगे, सिर्फ मात्राओं का ही खेल है। और मात्रा जो है वो सेम रहती है, जैसा हिंदी में रहता है वैसा ही गुजराती में भी रहता है। अह, पहले अ आएगा इस तरह से और फिर उसके बाद ये बिंदी आ जाएगी अ के ऊपर, और अह के लिए अ और ये वाला, सिंपल है, समझ गए। तो ये हुई हमारे स्वर, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऊपर लाइन नहीं आता है और अ और ई के ऊपर ध्यान देना है। ऊ तो वैसा का वैसा ही, मतलब कि जिस तरह से हम बनाते हैं नॉर्मली मिलता जुलता है, बस खाली ऊपर से एक लाइन चली जाती है बस, ठीक है। यही चीजें होती हैं जो मतलब कि मेन डिफरेंस करती है, जब आप इसको पढ़ने के लिए, जब गुजराती जब पढ़ने के लिए उठाते होंगे तब उसके अंदर आपको यही मेन डिफरेंस आपको दिखाई देता होगा। आगे अब हम देखेंगे इसके क ख ग, ठीक है। तो क लिखने के लिए सिंपल है, इस तरह से लिखते हैं क, थोड़ा सा ऐसा बना करके जैसा आपको दिखाई दे रहा है और बीच में लाइन खींचते हैं। ख लिखने के लिए लिखते हैं ऐसे ख, क और ख अलग है, थोड़ा सा हिंदी से अलग है। ग लिखने के लिए ऐसे, ग जो है वो सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऊपर लाइन नहीं आती है, इसकी वजह से यहां पर भी लाइन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घ, घ इस तरह से लिखा जाता है। अंगा, अंगा गुजराती में होता ही नहीं है, कहीं पर भी यूज ही नहीं होता है, है ही नहीं है, राइट, इसलिए उसका मैं बताऊंगा ही नहीं, होता ही नहीं है, क्या बताऊंगा। च, च को लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, च, च, ठीक है। छ
छ को लिखने के लिए आप खाली यहाँ पर देख करके एक बार अपने दिमाग में इसको डाल दीजिए, क्योंकि जब भी आप लिखने बैठेंगे या पढ़ने बैठेंगे तो ये शब्दों को देखेंगे तो अपने आप ही याद भी आ जाएंगे, लेकिन पहले जो है इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। छ, छ को लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं छ, छ। ज, ज को लिखने के लिए ये रहा ज, झ को लिखने के लिए ये रहा झ। इया जो होता है ना, इया को हम यहाँ पर झ जैसा, झ के सामने इया जैसा बनाते हैं, इस बात को खास ध्यान रखने का। कहीं पर भी अगर ये ऐसा अगर आपको दिखाई दे दे तो वो झ है ना कि इया है, ठीक है, सब भी नहीं मिलेगा आपको। झ झ झ इया नहीं होता है यहाँ पर। ट, ट को लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे ट, ऐसा होता है, ऊपर लाइन नहीं होती है बाकी ऐसे। और एक बात कि यहाँ पर मैं जैसा लिखा हुआ बता रहा हूँ ना आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिट्टो ऐसा भी आपके हाथ से बने, कुछ अलग भी बन सकता है। जैसा हम हिंदी कंप्यूटर में लिख करके जिस तरह से हम देखते हैं, उस तरह से हमारे हाथ से तो हम लिख नहीं सकते हैं, हाथ से सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, उसी तरह से गुजराती में भी सबकी राइटिंग अलग अलग हो सकती है। ठ, ठ पे आते हैं, ठ को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ठ, ठ, ठीक है, ठ बिल्कुल सेम है, ठ ठ ऐसा सेम ही मिलता रहेगा आपको। ड, ड को लिखने के लिए इस तरह से ड, ठीक है, ड को इस तरह से लिखेंगे और ढ को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे ढ, ड और ढ भी सेम है। अना को लिखने के लिए, ठीक है, अना में एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है, एक लाइन यहाँ पर आ रही है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन देखने से समझ में आ जाएगा। ओके, ट, ट को लिखने के लिए ये रहा ट, सेम ही है ठ, और ये द, और ये ध, ठीक है, त, थ, द, ध। मोस्ट ऑफ ये द में थोड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी तो त, थ, द, ध सेम ही है। यहाँ पर हम लोग ये लाइन कर गोल बनाते हैं ध के अंदर, और यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। न, न को न जैसा ही बनता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। प, प को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे प, फ को लिखने के लिए ये रहा फ, ब, ब ये रहा ब, ब थोड़ा डिफरेंस है, प और फ, फ, फ भी थोड़ा डिफरेंस है, ब, ब भी थोड़ा डिफरेंस है, भ भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, इस तरह से भ बनता है, ल की तरह भ बनता है इसमें, ठीक है, ल की तरह भ बनता है। म, म, म में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, य, य को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे य। मुझे कीबोर्ड में थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त भी लग सकता होगा मेरा, जो जो मैं टाइप करता हूँ इंग्लिश में टाइप करता हूँ, और हिंदी में भी थोड़ा बहुत अच्छा टाइप करता हूँ, लेकिन गुजराती में थोड़ा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि गुजराती की जो कीबोर्ड की जो टाइपिंग की जो प्रोफेंसी है वो मेरी नहीं है इसकी वजह से। र, र को इस तरह से लिखते हैं सेम टू सेम। ल को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे ल, ठीक है। व को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे व, और स को लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे ल, व और स, तो ठीक है, स और ल जो है वो न जैसा हम बनाते हैं, यानी गुजराती का न ऐसा होता है कि न के ऊपर एक लाइन कर देते हैं, वो व हो जाता है, ठीक है, बाकी य, य और र तो सेम ही है। श, श को लिखने के लिए इस तरह से श, सेम टू सेम है, और दूसरा स इस तरह से बनता है श, और ह को लिखने के लिए ह जो है वो इस तरह से बनता है ह, ठीक है, सेम ही है, ह में और श में और श में कोई फर्क नहीं पड़ता है। छ, छ के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से लिखा जाता है छ, त्र जो है वो इस तरह से है, और ग्न जो है वो इस तरह से। अच्छा, ज्ञ को गुजराती में ग्न बोलते हैं, ग्न, ठीक है, ये बात खास ध्यान रखना, ग्न बोलेंगे, ग्न, ज्ञ नहीं बोलेंगे। ओके, तो छ, त्र, ज्ञ हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो, कि जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन गुजराती में कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया है। वेरी सिंपल वीडियो है, बहुत ही जरूरी वीडियो है, और अगर ये समझ में आया तभी आपको आगे का समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको थोड़ा बहुत मात्राओं के विषय में बताऊंगा, और नाम वगैरह ये सब कैसे लिखते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है नेक्स्ट, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये तो आपको पसंद आया ही होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर ठोकिएगा, और सब्सक्राइब, और जो भी करते हैं, मतलब कि लास्ट में जो बोलते हैं ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह जो भी करना हो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।